भले ही जबलपुर में सोमवार से 3 दिनों तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन ना लगाई जा रही हो, लेकिन कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए सोमवार से जबलपुर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी की डोज भी लगना शुरू हो गई। स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1200 डोजों की खेप जबलपुर पहुंची है, जिसे शहर के एक निजी अस्पताल में लोगों को लगाना शुरू किया गया। हालांकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन के तौर पर आई स्पुतनिक वी की पहली डोज के लिए प्रति व्यक्ति 1,145 रुपए खर्च करने होंगे। पहली डोज लगने के 21 दिन बाद ही स्पुतनिक वी की दूसरी डोज लगेगी, लेकिन दूसरी डोज के लिए भी 1,145 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब दोनों डोज के लिए 2,290 रुपए स्पुतनिक वी लगवाने वालों को शुल्क टीकाकरण केंद्र पर जमा कराना होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी की माने तो वैक्सीन की कमी के बीच आई स्पुतनिक वी की खेप से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को गति मिलेगी, तो वहीं लोगों के पास वैक्सीन की चॉइस भी होगी कि वह कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पूर्व की तरह लोगों को कोविड पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्लॉट बुक हो जाएगा, फिर निर्धारित समय पर संबंधित टीकाकरण केंद्र पहुंचकर वैक्सीन लग सकेगी। आपको मालूम है 16 जनवरी से हमारा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम कोविड कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगातार यूज कर रहे थे, जो निःशुल्क और कुछ मतलब लिमिटेड पैसे में हमने प्राइवेट में ही चालू किया था बीच में। अभी आपको एक जानकर खुशी होगी और हमारे संस्कारधानी वासियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि हम जल्द जल्द मतलब टीकाकरण सभी लोगों कर सकें। जो वैक्सीन की कमी थी, तो तीसरी वैक्सीन ये कमी को दूर करने वाली है। स्पुतनिक हमारा जो वैक्सीन आया हुआ है, जो अभी हमने ये पेड्स है, मतलब पैसे दे के ही लगेगा, और अभी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेल्वी ने परचेस किया है उस उनके पास 1200 डोज है। आपको ये बताना चाहूँगा, ये भी डबल डोज है, पहली डोज अलग है, सेकंड डोज 21 दिन के बाद लगेगी, वो अलग है, दोनों अलग अलग उसमें है, और एम्पुल में है, सिंगल डोज है वो, कि हर व्यक्ति के लिए एक सिंगल डोज लगेगी। जबलपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के तहत कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा गया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अब संयुक्त मोर्चा आंदोलन के लिए तैयार है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि रोजगार सहायकों को नियमित किया जाना चाहिए और उनका वेतनमान का निर्धारीकरण भी होना चाहिए। राजनीतिक दबाव में जिस प्रकार रोजगार सहायक और सचिवों से दबाव देकर कार्य करवाए जाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि रोजगार सहायक और सचिवों को कार्य करने में सहूलियत मिल सके। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि लगातार सरकार को उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक दिन का सामूहिक अवकाश रोजगार सहायक और सचिवों द्वारा किया गया, और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज 12 तारीख को 12 संगठनों संयुक्त मोर्चा का गठन प्रदेश लेवल के आह्वान पर आज जनपद पंचायत सीओ, उपयंत्री, पंचायत सचिव, सहायक सचिव, अन्य संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर शासन को जो ज्ञापन सौंपना है वो कलेक्टर के नाम दिया गया है, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। हम लोगों की 7 दिन के अंदर अधि मांगों का निराकरण हुआ, उसमें मुख्य मांग थी जैसे कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने जो दिया है, एक सीओ महोदय ने आत्महत्या की है, एक उपयंत्री महोदय ने आत्महत्या की है, इस प्रकार से कार्य का दबाव बनाते हैं कि जबरदस्त मजबूरन आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार से काम न लेने के कारण शासन को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार से काम लिया जाए कि कर्मचारी को आत्महत्या ना करना पड़े। ये पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों के पालन में ये ज्ञापन दिया गया है आज। इसमें कुछ इनके अधिकारियों को कुछ किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ आत्महत्या के लिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कचपुरा गणेश नगर में नकली ऑयल की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ऑयल मौके से बरामद किया। पुलिस ने नकली फैक्ट्री के संचालक अभिषेक जैन को भी मौके से गिरफ्तार किया।
लॉर्डगंज थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कचपुरा गणेश नगर नकली ऑयल की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्री संचालक अभिषेक जैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौके से बड़ी संख्या में ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे और रैपर बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यह नकली ऑयल की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। आरोपी का कहना है कि वह सस्ते ऑयल को बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा करता था। सर, ओरिजिनल की डिमांड तो है मार्केट में, मगर ये क्या सस्ती कैटेगरी का आयल मांगते हैं लोग? गांव देहातों में डीजल पंपों में या ट्रैक्टर वगैरह में सस्ती कैटेगरी का आयल लगता है। जैसे गियर आयल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गियर आयल है 90 नंबर, ब्रांडेड आयल होते हैं 250-300 रुपये लीटर के। ये हम 90 का देते हैं, 125-120 रुपये बिक जाता है मार्केट में। सर, ये सर्वो कैस्ट्रॉल का जो भी आप लेवल देख रहे हैं, कोई अगर पेट्रोल पंप से सर्वो खरीद रहा है और आपके यहाँ से रेट में अंतर है क्या उसके में? सर्वो का मान लो 200 रुपये का ऑयल है, तो आप कितने बेच रहे हो? सर, सर्वो के नाम से हम नहीं बेच रहे हैं, ये सर्वो के जो भी लेवल आप देख रहे हैं, ये तो लिखा है उसमें, सुनिए तो। ये सब एक जगह अभी छापा पड़ा था कुछ दिन पहले, तो उनके यहाँ से ये हमारे पूरा थैला भर के आ गया था रातों रात। ये सभी लेवल बंद हो चुके हैं, कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये लेवल आप जो भी देख रहे हैं अभी, तो ये अभी माल पकड़ा गया है। नकली ऑयल की सूचना है कि जो गाड़ियों में ऑयल होता है उसकी थी कि कोई ऑयल बनाते हैं और उसको रिफिलिंग करके मार्केट में बेचते हैं, और पर्टिकुलर क्वांटिटी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जब्ती की प्रक्रिया हमारी चालू है, उसको काउंट करने में टाइम लगेगा। और अभी ये सिर्फ ये जानकारी है कि ये ऑयल यहाँ बनता था, जो ऑयल शायद नकली है उसको परीक्षण भी कराना पड़ेगा। और जो पैकेट्स हैं जो मार्केट में जो डिब्बे होते हैं ब्रांडेड कंपनी के, उसी से मिलते होते डिब्बे भी मिले हैं, तो हमारी कार्रवाई चालू है। हम विस्तृत रिपोर्ट और आपको बाद में। सर, किन कंपनियों के इसमें लेबल मिले हैं आपको? अब मैं बता सकता हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे अध्ययन करने दीजिए, मैं पूरा परीक्षण करके आपको बता दूँ। अभी तो हमको एक ही से मुलाकात हुई है, जो अपने आपको मालिक बता रहे हैं, अभी उनसे बात बता रहे हैं, कोई जैन है वो, अभी और उनसे बात करते हैं कि इसमें अभिषेक जैन करके हैं वो, अभी उनसे बात करके फिर हम आपको बता